कालाबाजारी की रिपोर्ट करने वाले पत्रकार खुद ही ऑक्सीजन सिलेंडरों की कालाबाजारी में लिप्त मिले। भारत A2Z न्यूज चैनल के MD एंकर अश्वनी जैन को क्राइम ब्रांच ने दिखाया जेल का रास्ता। ऑक्सीजन सिलेंडर्स व मेडिकल उपकरणों की कालाबाजारी के संबंध में लगातार कार्यवाही कानपुर पुलिस द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में आज दिनांक 11 मई 2021 को पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में क्राइम ब्रांच व पनकी पुलिस टीम द्वारा 4 अभियुक्तों को पत्रकारिता की आड़ में ऑक्सीजन सिलेंडर की कालाबाजारी करते हुए रंगे हाथों पकड़ा गया, जिनमें से एक अभियुक्त अश्वनी जैन भारत A2Z न्यूज चैनल का MD व एंकर है। पूछताछ करने से ज्ञात हुआ कि यह लोग मेरठ से 2 महीने पहले 80 से 90 ऑक्सीजन सिलेंडर लाए थे। बड़े सिलेंडर 55,000 रुपए में व छोटे सिलेंडर 35 से 40,000 में बेचते हैं। अब तक कुल 70 से 80 सिलेंडरों की कालाबाजारी करके बेच चुके हैं। पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में माल डंप करते थे। मेरठ से सिलेंडर लाने की बात की जाँच की जा रही है। वहाँ अन्य कड़ियों के बारे में जाँच पड़ताल की जा रही है। इस संबंध में थाना पनकी पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है। 11 मई को क्राइम ब्रांच की पुलिस को एक सफलता मिली है, जिसमें लगातार ये सूचनाएं मिल रही हैं कि लोग ब्लैक में ऑक्सीजन सिलेंडर्स और ऑक्सीमीटर्स और अन्य मेडिकल उपकरण बेच रहे हैं। तो इस पर कार्रवाई डेली बेसिस पर क्राइम ब्रांच पुलिस के द्वारा की जा रही है। इसी क्रम में आज पनकी इंडस्ट्रियल एरिया में 4 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके पास से 10 ऑक्सीजन के सिलेंडर बरामद हुए हैं। जो एक बड़े सिलेंडर को 55,000 रुपए में एक सिलेंडर बेच रहे थे और जो छोटे सिलेंडर थे वो लगभग 35 से 40,000 रुपए में ये बेच रहे थे। इसमें मुख्य जो गिरफ्तार हुए अभियुक्त, इसमें प्रदीप वाजपेयी, अभिषेक तिवारी, ऋषभ जैन और अश्विनी जैन, ये रहने वाले बर्रा के हैं। अश्विनी जैन ये एक A2Z चैनल के नाम से एक चैनल चलाता है, जिसका ये अपने आप मैनेजिंग डायरेक्टर का पोस्ट पर है, ऐसा इसने बताया है। अभिषेक तिवारी इसका कैमरामैन का काम करता है। ये सब लोग अभी तक लगभग 70 से 80 सिलेंडर, इनका कहना है, बेच चुके हैं इसी रेट में, और ये मेरठ से ला रहे हैं ये सब सामान। और इसके अलावा अन्य कौन कौन से मेडिकल उपकरण का ये गोरख धंधा कर रहे हैं, इसके बारे में और जानकारी प्राप्त की जा रही है। ये पूरी घटना की पुलिस स्टेशन पनकी में FIR दर्ज कर विधिक कार्रवाई की जा रही है। वहीं आपको बता दें, गिरफ्तार अभियुक्तों में अश्वनी जैन पुत्र राकेश कुमार जैन निवासी 21M बड़े बारा दबौली थाना गोविंद नगर कानपुर नगर, उम्र 32 वर्ष। दूसरा अभियुक्त ऋषभ जैन पुत्र राकेश कुमार। तीसरा अभियुक्त प्रदीप वाजपेयी पुत्र कृष्ण मुरारी वाजपेयी निवासी बर्रा कानपुर। चौथा अभियुक्त अभिषेक तिवारी पुत्र वीरेंद्र तिवारी निवासी बर्रा कानपुर नगर। वहीं इनके पास से 4 बड़े ऑक्सीजन सिलेंडर, 6 छोटे ऑक्सीजन सिलेंडर, घटना में प्रयुक्त मारुति वैगनार नंबर UP 78 GA 8751 व पत्रकारों के आई कार्ड बरामद हुए हैं। वहीं इस कार्रवाई को क्राइम ब्रांच टीम व थाना पनकी पुलिस ने अंजाम दिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, RTI न्यूज 24। देश प्रदेश की हर छोटी बड़ी खबर के लिए सब्सक्राइब करें हमारा चैनल RTI न्यूज 24 और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे हर खबर आप तक पहुंचा सके हम सबसे पहले।